हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितनी सब्जी लगाई हुई है और किस तरह ये काम का क्या नेचर होती है, क्या नौयत होती है। तो कैसे हैं आप शाह साहब? खरीद से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो ये कितनी जगह है ये टोटल जो बारी मियां बारी फार्म है, कितनी जगह पे है ये? इनके 5 मरबे हैं और ये हमने 16 एकड़ पे आप सब्जी लगाई है। तो मेन कौन कौन सी सब्जी आपने अभी लगाई? ज्यादा तोरी। तो आपने कितने एकड़ तोरी लगाई? हमने 14 एकड़। अभी आपके पास 14 एकड़ तोरी लगी मौजूद है और जिसकी आप ये पैकिंग हो रही है सारी? हम तो आप बताइए कि ये कितनी एवरेज निकलती है एक दिन में, जो एक एकड़ से आप जो तोरी तोड़ते हैं वो कितनी एस्टिमेटेड होती है ना, कितनी निकलती है? तकरीबन 4 से 6 मन। मतलब 4 से 6 मन आप एक एकड़ से रोजाना आपकी रोजाना की आती है। आ जाती है। और ये टोटल कितने दिनों तक आपकी चुनाई होती रहती है इसकी तोरी की? जो है तकरीबन 150 से 160 दिन। मतलब 150 आपकी चुनाइयाँ होती हैं? होती है लाजमी। तो इसका मतलब 150 को अगर हम आपकी जो आपने बताया 5 माना आपने कहा फी एकड़, हाँ जी, तो 7.5 यानी कि ये इसका मतलब 750 मन। 750 मन आपकी टोटल एक एकड़ से आपकी प्रोडक्शन आती है? हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ये तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि जो आम लोग जमीन में बिछा के लगाते हैं उनकी तो इतनी प्रोडक्शन नहीं आती। नहीं आती। तो ये जो आपने वर्टिकल ये जो आपने लगाया है इसका आपको कहाँ से मेथड आया जी हमें किस तरह लगाना चाहिए जो अपनी वर्टिकली फार्मिंग की है? ये तो कोई ताडे वर्गे दोस्तों ने सानू समझाया जी। ठीक है, थले लाउन नालों ते उत्ते करो। बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रॉफिट भी ज्यादा है। आप इस मेथड से आपको प्रोडक्शन भी आ रही है और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है। क्वालिटी भी ज्यादा। तो क्या क्या फायदे आपको समझ आ रहे हैं इसके? अभी आप बताएं हमारे फार्मर जो लोग जमीन पे लगाते हैं और जो लोग इसको वर्टिकल नेट के ऊपर लगाते हैं, दोनों में क्या फर्क क्या है? इसका ये फर्क है इसकी पैदावार भी ज्यादा और ये एक दो माह ज्यादा चलती भी है। बिल्कुल ठीक। इसलिए आप 150 है तो चलाइयाँ कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर बारिश होती है बारिश में भी फायदा और इसमें घास बीमारियों का भी कम। बिल्कुल ठीक है। आप इसका बताइए कि आप ये जो आप ये आपकी लग रही है पैकिंग हो रही है ये किस इलाके को बेचते हैं आप? ये हम ज्यादा सारियां सब्जियां ना इस्लामाबाद भी है। आपकी ये सब्जी इस्लामाबाद जा रही है? हाँ जी, पीर विदाई। तो एक मन का क्या रेट आपको मिल रहा है इस टाइम? इस वक्त तो 1200 रुपया मन। ठीक है। और मंडी के रेट रोजाना तब्दील होते रहते हैं। ठीक है। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो आपने अभी जैसे बता रहे थे ऑन एवरेज आपका क्या ऐड के आप 14 सालों से लगा रहे हैं तो कितना ऑन एवरेज आपकी जो प्राइस आपने जैसे बताया 5000 रुपये फी मन के हिसाब से 700 मन आपने कहा कि आपकी टोटल एक किले से प्रोडक्शन आती production. है 5000 रुपये एवरेज आपको इसकी कीमत मिलती है। इसका मतलब 35 लाख रुपये आपका फी एकड़ की आउटपुट निकल आती। तो इस 35 लाख को कहाँ कहाँ पे आप डिवाइड करते हैं? मतलब लेबर को कितनी जा रही होती है तकरीबन कहाँ कहाँ पे खर्चा, नेट कितना प्रॉफिट निकल आता है इसका? तकरीबन साल का तकरीबन 4 और 5, 5-6-7 लाख के तकरीबन निकल आता है। बाकी इसमें जो आपकी खवातीन यहाँ पे लगी हुई है उनको आप जा रहा है? हाँ जी। कितनी खवातीन आपकी पिकिंग करती हैं डेली आपके साथ? इस टाइम तकरीबन 35 से 40 आदमी हैं। तो फी बंदे को आप किस तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसे? इनको दिहाड़ी होती है या इनका ठेका होता है, किस तरह होता है? दिहाड़ी बंदे की 1000। ठीक है। और 35000 रुपये तो डेली आपकी दिहाड़ी चली जाती है। इसका 35 लाख रुपये में से आपकी जो आपने एवरेज बताया कि आपके 20-25 लाख रुपए जो है ना वो आपकी मजदूरी और बाकी खाद स्प्रे में इधर चले जाते हैं। तो ऑन एवरेज 10 लाख रुपए आपको एक एकड़ का? नहीं, 10 लाख कहाँ बचता है? 10 लाख होता तो हम नवाजशरीफ की जगह ना होते। 4-5 लाख रुपया बचता है। 5 लाख रुपए निकल जाते हैं। इसमें हमारे मजदूर भी खुश रहते हैं ऐसा सीधे ते जेड़े थले लाए कुबे उन्होंने वाल भी जल्दी पै जाते। वर्टिकल लगाते इसे पिकिंग के साथ? हाँ जी, तोड़नी भी आसान। तो शाह साहब हमारे जो बाकी फार्मर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं उनको बताएं कि किस तरह आप समझते हैं कि आप उनको क्या मैसेज देंगे इस बारे मैं में? मैं तो उन्होंने हर बंदे ने एक यही मैसेज देना जो कोई मेरा सज्जन बेली होने कही दा फार्मर करो थले लाना गुनाह समझो। पैसे इस वक्त खूबसूरती का मियार ठीक जिस तरह देसी चीज नु पसंद नहीं करते हाई ब्रैड नु पसंद करते खूबसूरती दा ही पैसे वटे जांदे। अच्छा, ये जो ट्रिलाइजिंग का जो मेथड है पौधों को बेलों के ऊपर चढ़ाने का इसमें जो फल भी खूबसूरत है आपकी सब्जी फल भी खूबसूरत और खर्चा भी कम। अच्छा, दूसरा बताया कि स्प्रे का भी खर्चा कम है? स्प्रे का खर्चा भी कम है जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं उनके। और इसमें एक फायदा ये भी है नीचे अगर लगाओगे तो 1 एकड़ बनेगा, अगर फार्म करोगे तो 2 एकड़ बनेगा, डबल पैदावार हो जाती है। ठेका 1 एकड़ का, पैदावार 2 एकड़ की। तो हमारे जैसे अभी देखे ना डॉक्टर्स के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं आजकल, आपको देखा ना यही चल रहा है। तो क्या आपके जो बच्चे हैं वो आपको फॉलो करते हैं कि आप इतना अच्छा माशाल्लाह ये पैसा कमा रहे हैं पर एकड़ तो आपको फॉलो करते हैं कि आपको कि हम भी किसान बनेंगे या हम भी फार्मर बनेंगे? नहीं, वो अभी कहते
पढ़ना सी पढ़ने के बाद भी तो लोग फार्मिंग करते हैं। एक पढ़े लिखे बंदे की फार्मिंग, ये एक पढ़े लिखे बंदे की फार्मिंग है जो यहाँ पे हुई है, आपको नजर आ रही है। आम बंदा होता तो वो तो जमीन पे लगा रहा था ना। आप एक पढ़े लिखे फार्मर हैं तो आपके बच्चे क्या पढ़ लिखे फार्मर बनना चाहेंगे? मैं तो कहूंगा बनेंगे। साडे पाकिस्तान च जेड़ी वो काश्तकारी दा मुल्क है। बिल्कुल ठीक, मैं एग्रीकल्चर। हाँ जी, एग्रीकल्चर मुर्गा, सिर्फ पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुर्गा। थोड़ा सा बताइए इस इलाके के बारे में, यहाँ पे जो ये एरिया है जड़ा वाला का, इसमें कितने एरिया पे लोग, बाकी कितने फार्मर जो सब्जियां लगाते हैं? ये जड़ा वाला सब्जी के लिए मशहूर है। तो डेली के कितने एवरेज ट्रक या ट्रॉलियां यहाँ से निकलती होंगी बाकी शहरों के लिए? इधर से 5 गाड़ी तो निकलती है बड़ी इस्लामाबाद के लिए डेली, 5 और 10 के करीब हंडाई निकलती है इस्लामाबाद के लिए, तकरीबन 4 से 5 लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, तकरीबन 35 से 40 गाड़ियाँ रोजाना निकलती हैं इधर से। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन जी, आपने तो बड़ी अच्छी मालूमात दी है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा इलाका जो है सब्जियों के हवाले से बड़ा फेमस है, और ये समझे कि इंस्टीट्यूट है सीखने के लिए। अगर कोई लोग सब्जियाँ लगाना चाहे, सीखना चाहे, तो आप क्या यहाँ पे, अगर कोई आपसे कोई बंदा कहता है कि हम ऐसे सब्जियाँ सीखना चाहते हैं तो नाज़रीन देखिए, अभी हमारे जो फार्मर हैं ये बिल्कुल यहाँ पे जो नए मेथड से, जदीद तरीक़ों से जो वर्टिकली सब्जियाँ लगा रहे हैं, इनके दरवाज़े, ये फार्मर के दरवाज़े ओपन हैं। कोई भी बंदा पूरे पाकिस्तान से इस मेथड को सीखना चाहे तो वो यहाँ पे आए, इसको इनके साथ काम करके देखे प्रैक्टिकली, और जाके अपने इलाके की किस्म बदल सकता है वो इस मेथड से अगर काम करना चाहे। वाजी वाह डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? माशाल्लाह लगे हुए हैं जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से। साजिद इकबाल सिद्धू साहब जी यहाँ पे बड़ी एक्सपर्टली को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब। इस वक्त जी हम देख रहे हैं कि तोरी के पत्तों के ऊपर जो बीमारी या कीड़े का अटैक आया हुआ है वो किस लेवल पर है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो इस वक्त लीफ माइनर का जो अटैक है वो पत्ते को डी शेप कर रहा है, इसके अंदर कीड़े का चलना जो है वो नज़र आ रहा है, पर हम उसको देख रहे हैं कि इस वक्त कीड़ा जो है वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पे है और हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज लुफा के बारे में जो है थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन से बात करेंगे इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके क्लाइमेट, किस तरह की क्लाइमेट चाहिए होती है इस लुफा को, तोरी के लिए जो हमारी किया तोरी के, किस तरह की क्लाइमेट चाहिए? इसको आमतौर पे जी समर क्रॉप कहा जाता है या खरीफ की फसल कहा जाता है, खरीफ की सब्जियों में शुमार किया जाता है। ये वाइन वेजिटेबल है, यानी कि ये अपनी बेल बनाती है और बेल के साथ ऊपर चढ़ती है। इसके लिए आमतौर पे जो ओपन काश्तकार इसको करते हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, जब रात का टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर जाना शुरू होता है, जो कि पंजाब में आमतौर पर 15 फरवरी के बाद से शुरू हो जाता है, कोरा और फ्रॉस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त इसको काश्त किया जाता है। और इसकी दूसरी काश्त जो है वो आमतौर पर टनल फार्मिंग के अंदर की जाती है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये ट्रिलिंग थोड़ा सा दिखाते हैं, मेरा चलते हैं ज़रा दिखाते हैं ये ट्रिलिंग जो सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे पूरा आप लोगों ने, बिल्कुल इसको थोड़ा सा दिखाएं ज़रा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये क्या पाकिस्तान में हमारी ओरिजिनेट है, कहीं और मुल्क से पाकिस्तान में आई है? इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए इस तोरी की, या तोरी के बारे में। अच्छा, नस्बता इस सब्ज़ी को हार्डी और सख्त जान सब्ज़ी समझा जाता है, पर ये ओरिजिनेट जो हुई थी, जो इसका बेसिक इंसेस्टर्स थे, वो इंडिया और पाकिस्तानी के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हुआ था, और तकरीबन कोई 15वीं सदी ईस्वी में, यानी कि 1500 के लगभग में इसकी काश जो थी वो डॉक्यूमेंट है कि मौजूद है, लोग इसको खाते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो यहाँ पर, और जो मुख्तलिफ बाद में यूरोप में ये गई, बाद में बहुत सारे और मुल्कों में इस्तेमाल करना शुरू हुआ, तो यूरोप में इसको लूफा के नाम से जाना जाता है, इसको रिज गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसको काली तोरी और सब्ज़ तोरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, इसका तो फूल ही बड़े अट्रैक्टिव, आप देखें ना ये जो इसके फूल हैं बड़े अच्छे, इसमें फूल जो हैं इसके नरमादे के हिसाब से होते हैं, किस तरह इसका फूलों का सर? जी बिल्कुल, ये आपको जो फूल नज़र आ रहा है जिसके साथ ऊपर इसके पोलन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ये नर फूल है, ये वाला सारे के सारे, ये दिन में सुबह सुबह खिलते हैं और उसके बाद अपने पोलन ग्रेन्स बखेरने के बाद शाम को ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये ताज़ा खिले हुए फूल हैं। अच्छा, इसमें ये देखिएगा, जिस फूल के पीछे छोटी सी बारीक डंडी या मोटी डंडी लगी होगी ये मादी फूल होगा, ये फीमेल फ्लावर है। अब पहचान देखिएगा, एक ही पौधे के ऊपर फीमेल फ्लावर होता है, उसी के ऊपर मेल फ्लावर होता है। बिल्कुल ऐसा है जी, एक ही पौधे के ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद होते हैं। ये आपके सामने नर फूल है, ये मेल फ्लावर है, और ये जो है इसके ऊपर फीमेल फ्लावर। जब ये आपस में पोलिनेट करते हैं एक दूसरे को, तो उसके बाद ये फल बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक।
तो डॉक्टर साहब इसमें अगली जो हम बात करेंगे इसकी पर एकड़ सीड की क्या रेशो होती है, कितना बीज लगता है एक एकड़ में इसका? आमतौर पे जो इस तरीके काश के अंदर लगाया जाता है वो 700 ग्राम बीज जो है वो एक एकड़ में काश किया जाता है। और अगर हम इसके पटड़े चौड़े रख के करते हैं यानी कि कम फासला ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसमें हमारे नंबर ऑफ सीड जो है वो 500 ग्राम पे भी चला जाता है यानी कि कम हो जाता है। लेकिन इसमें जो कि हमने हाई डेंसिटी क्रॉप लेनी है और हमारे पटड़े का साइज छोटा होता है तो इसलिए हमें 700 ग्राम इसमें बीज लगाना पड़ता है, जो कि बड़ा कम कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सस्ती फसल के अंदर इसको शुमार। क्या इसका पर एकड़ सीड कितने का आएगा फिर इसका? राउंड अबाउट जिस वक्त जो मुख्तलिफ हाइब्रिड सीड कंपनियाँ मार्केट कर रही हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन 8,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए के दरमियान में एक एकड़ का बीज आता है और जो देसी बीज है वो तकरीबन 4,000 रुपए से 5,000 रुपए का एक एकड़ का बीज। ठीक है, तो जमीन की तैयारी में क्या कोई बड़ा स्पेशल इसका कोई करना होता है, इसकी तैयारी के लिए कोई मरहला होता है या बिल्कुल सादा ही? अगर आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया जो कि इस कैमरा के रेफरेंस से मैं आप सारे जिम्मेदारों को बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि कुछ सख्त जान सी सब्जी बताएं जो कड़वी जमीन को भी बर्दाश्त कर ले, जो कड़वे पानी को बर्दाश्त कर ले, लेकिन वो वेजिटेबल क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी होती है, तो ये वो सब्जी है जो कि कड़वे पानी को, कड़वी जमीन को बर्दाश्त करती है और ज़मीन निस्बतन कमज़ोर भी हो तो उसके अंदर ये पैदावार देती है। तो इसकी तैयारी जो है जी बिल्कुल वैसे ही, तीन दफ़ा हल चलाना है, इसको सुहागा चलाना है, रोटावेट करना है, फर्टिलाइज़र जो है जी सबसे पहली जो बेसल डोज है जो ज़मीन की तैयारी के वक्त देनी है वो हमने फास्फोरस की देनी है। ठीक, फास्फोरस में आप DAP से ले लें, आप नाइट्रोफास से ले लें, या ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट से ले लें। बिल्कुल ठीक, तो ये फास्फोरस के साथ थोड़ी सी मिकदार नाइट्रोजन की आ जाएगी और थोड़ी सी पोटैश की, ये बड़ी पोटैश जो आप 10 किलो डाल दें और नाइट्रोजन जो है 25 किलो डाल दें। बिल्कुल ठीक, इससे हमारी जो बुनियादी बेसल डोज है यानी कि जो हमारी काश्त के वक्त वाली डोज है वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, तो इसमें सर साहब ये बताएं कि फिर इसमें कौन कौन से मौसम में इसकी काश्त साल में कितनी दफ़ा की जाती है और किस किस मौसम में इसकी काश्त की जाती है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें आज तक मिली है जी वो इसमें दिसंबर के महीने में जो हम इसको काश्त करते हैं, जब सर्दी शुरू होने वाली होती है तो उस वक्त इसको काश्त करते हैं। पौधा उगने के फौरन बाद उसको सर्दी से बचाने के लिए लो टनल से ढांप दिया जाता है। अच्छा, ये जो हम सर्दी जब जैसे ख़त्म होती है, कोरा ख़त्म होता है तो हम इसको लगा देते हैं, तो हम इसको ओपन कर देते हैं, हम इसको टनल से लगाते हैं उससे पहले जी। तो जनवरी में लगा देते हैं जो अगेती फसल है। अगेती फसल हम दिसंबर में काश्त करेंगे, दिसंबर में हम इसके ऊपर उगने के फौरन बाद शॉपर दे देंगे, टनल बना देंगे जी। और जब मार्च आएगा या कोरा खत्म होगा तो हम उसको ओपन कर देंगे। ये फसल जो है ये दिसंबर की काश्त है और ये आज हम इस वक्त जो है वो जून के महीने में खड़े हैं और बेहतरीन पैदावार दे रही है। और अगली और सेकंड क्रॉप कब लगती है फिर इसकी? सेकंड क्रॉप इसकी जो है वो लगती है जो ओपन की फरवरी मार्च के अंदर। ठीक है, यानी कि असल में इसकी फसल के दो वक्त हैं जो कि जेन्युइन है। हाँ। एक टनल फार्मिंग का हो गया और एक उसके बाद आ गया फरवरी काश्त का। ठीक, और वो काश्तकार जो किसी वजह से लेट हो चुके हैं या जो गंदम के काश्तकार थे वो इसको गंदम के बाद भी काश्त कर सकते हैं मई जून के अंदर, लेकिन उनको फिर फसल लेने का स्पैन थोड़ा कम मिलता है, टाइम जरा शॉर्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि सेकंड जो पछेती काश्त है वो गंदम के बाद भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। तो ये साथ साथ बताइए कि अब हमें जैसे यहाँ पे ये ट्रिलाइज किया गया है, इसको वर्टिकल फार्मिंग में कन्वर्ट किया गया है, और इस पर क्या आप समझते हैं कि इसको किस तरह जस्टिफाइड कर रहे हैं कि आप जो ज़मीन पे बिछाई गई है फसल, इस तरह कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में? ज़मीन के ऊपर जब हम फसल बिछाया करते थे और उसकी पैदावार लेते थे और देसी वैरायटियां थी तो हमारे पास एक एकड़ से हमारे पास 200 से लेके 250 मन की पैदावार आती थी। ठीक है, 200 से 250 मन एक एवरेज यील्ड है, बड़ी कम पैदावार है। जब हमारे पास अच्छी हाइब्रिड आए तो हम 350-350 मन पे चले गए, और जब हम इस तर्ज काश्त के ऊपर चले गए जिसको कि हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, जिसको कि हम हाई डेंसिटी फार्मिंग भी कहते हैं, जिसको हम ज़मीन से उठाई हुई काश्त कहते हैं, इसमें 700 से लेके 1000 मन पैदावार, बड़ी नॉर्मल सी पैदावार, यानी कि 700 से 1000 तीन गुना पैदावार बढ़ जाती है। तो स्प्रे के ऊपर थोड़ा बताएं कि इसकी बीमारियां को ऐसी जो फार्मर को पता होना चाहिए कि जिसकी वो टाइमली उसके ऊपर वो ओवरकम कर ले, कौन सी बीमारियाँ इसको आती है? इसको जी सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना इसके फल को, वो तो आता है फ्रूट फ्लाई से, वो डंग कर देती है। ये जो बांस और जो नेट लगाया जाता है ये कितना खर्चे वाला काम है? ये बांस एक एकड़ में कितना खर्चा आता है इसका? जी बिल्कुल, मैं आपको इसके रनिंग फुट बता देता हूँ जी। एक एकड़ में जो बांस लगाए जाते हैं वो तकरीबन
हमारे पास 5,000 फुट बांस लगाया जाता है रनिंग फुट में, ठीक है। तो 5,000 फुट अगर आपको 20 रुपए के हिसाब से मिल रहा है तो 1,00,000 रुपए का हो गया, तो 1,00,000 रुपए का बांस लग जाता है। और ये जो नेट इसके अंदर लगाते हैं, ये नेट इसके अंदर जो लगते हैं जी, वो तकरीबन 15,000 से 18,000 रुपए के नेट लगते हैं। टोटल खर्चा मिला के बीज समेत हर चीज समेत जो है वो तकरीबन 2,00,000 रुपए का आ जाता है। तो ये जो नेट है ये हमारे बहुत से फार्मर को क्या पता चलेगा कहाँ से मिलता है, कंपनी है जो इसको देती है? इस वक्त जी पाकिस्तान में 3-4 जगहों पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, हतार में भी हो रही है, और चाइना से इंपोर्ट भी किया जा रहा है। वो तमाम सीड के डीलर्स जिनके पास अच्छे बीज मौजूद होते हैं उनके पास से इसका क्रॉप नेट भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब सर साहब आते हैं इसकी जो है पर एकड़ प्रोडक्शन के ऊपर। जी, आपने खर्चे की बात की। अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बांस और नेट लगाया जाता है, जैसे हमने टनल उतारना है इसका, फरवरी की जो इसमें उतरना है, तो ये उस टाइम में लगा दिया जाता है इसका नेट और ये बांस वगैरह सारे? जी बिल्कुल, जैसे ही क्रॉप जो है वो कोरे से बाहर निकल रही है, टनल से बाहर निकल रही है, तो हम इसका फौरी तौर पर वहाँ पर क्रॉप नेट भी लगा देते हैं और साथ ही बैम्बू लगा के इसको साथ क्लाइंबिंग पे ले चलते हैं, ताकि उस वक्त इसको ट्रेन करना या इसकी ट्रेलिसिस करनी शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है। और आप इसके पानी की रिक्वायरमेंट बता दें थोड़ी सी, कब कब कैसे कैसे लगना है? सर्दियों में जी 15 दिन के बाद, ठीक है, ये मैं वो कहता हूँ सीधा स्टार्ट में जब आते हैं, जो जिम्मेदार वाले तरीके से बताने लगा हूँ, ठीक है। हम इसकी पर लीटर या डेल्टा ऑफ वाटर की बात नहीं अभी करेंगे। आम जिम्मेदार जैसा पूछता है कि इसको 15 दिन के बाद सर्दियों में पानी चाहिए होता है, बाज़ औक़ात बहुत सर्दी में 18 से 20 दिन भी ये बड़े आराम से गुजार लेते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मियों के अंदर जो है वे इसको हर हफ्ते में एक इरिगेशन चाहिए होती है, एक पानी चाहिए होती है। तो स्प्रे के ऊपर थोड़ा बताएं कि इसकी बीमारियां कोई ऐसी जो फार्मर को पता होना चाहिए कि जिसकी वो टाइमली उसके ऊपर वो ओवरकम कर ले, कौन सी बीमारी इसको आती है? इसको जी सबसे ज़्यादा जो मसला आता है ना इसके फल को, वो तो आता है फ्रूट फ्लाई से, वो डंग कर देती है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम आते हैं। इसके पत्तों के ऊपर जो भी आपको नज़र आ रहा है लीफ माइनर का कीड़े का बड़ा अटैक है इसके ऊपर, वो इसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसके अलावा इसको रस चूसने वाले कीड़े जो कि एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई वगैरह होते हैं, वो इसको परेशान करते हैं। लेकिन ये इतनी सख्त जान है कि इसको आम फसलों के मुकाबले में इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आप इसको स्प्रे 15 दिन में या 10 दिन में एक दफ़ा भी कर देंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। सख्त जान फसल है, सख्त जान फसल। कौन सी वैरायटी जो फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि ये लगानी चाहिए इसमें? तो देखिए इसमें बहुत सारी कंपनियों के हाइब्रिड्स आए हुए हैं, सारे ही हाइब्रिड्स बड़े अच्छे हैं। ICI का हाइब्रिड जो है वो, ये जो ICI का हाइब्रिड लगा हुआ है और ये मुख्तलिफ नंबरों में आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी अपने इलाके के हिसाब से जो है वो उसको अच्छा सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बीज जो है सिंजेंटा के पास भी मौजूद है, मल्टीनेशनल्स हैं, और हमारे लोकल इंपोर्टर जो हैं वो बहुत सारे मुल्कों से मंगवा के गुजरांवाला में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 10 कंपनियाँ हैं जिनके पास मुख्तलिफ बीज मौजूद हैं, ठीक। बीज लेने के लिए आप ग्रीन सर्कल के माहरीन से रबता करके अपने इलाके के हिसाब से अच्छी तोरी का बीज जो कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एक तो इसके ऊपर उभार रहे हैं और एक जगह पे आप दिखा रहे थे बिल्कुल प्लेन है, तो इसमें प्लेन में उभार में ये वैरायटीज का फर्क है या क्या इसकी कोई? जो हमारी देसी और लोकल आया करती थी ना जी, वो हमारी बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी। ये जो रिच गोल्ड की ये हाइब्रिड आ रही है इसके ऊपर उभार आते हैं, इसके ऊपर लाइनें भी हैं, स्ट्रीक्स भी हैं इसके ऊपर। कुछ इलाकों में ये खानी पसंद की जाती है और कुछ में प्लेन खानी पसंद की जाती है। बिल्कुल, ये आपने अपने आड़ती के मशवरे से करना है कि उसको कौन सी वाली उस इलाके में, ठीक। क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की कामयाबी का ज़्यादा इंसार जो है वो आड़ती के ऊपर भी होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो साहब ये बताइए कि इसमें न्यूट्रिशन का भी वो फ़र्क होता है इनकी वराइटीज़ में? ये बड़ी अहम बात आपने पूछी है जी, ये बड़ी मज़े की बात है, और ये मैं आपके कैमरे के तौर से उन लोगों को बताना चाहूँगा जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। इसके अंदर वो तमाम ज़रूरी विटामिन्स तो मौजूद हैं ही हैं, वो तमाम हेल्दी डाइट्स मौजूद हैं अभी और सारे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो इसके अंदर कमाल की चीज़ जिसके लिए हम इसको रिकमेंड करते हैं, तोरी के अंदर बहुत बड़ी मकदार के अंदर जो है वो अवेलेबल पोटाश पाया जाता है। 12% पोटाश का ख़जाना इसके अंदर भरा हुआ है और ये रेडिली अवेलेबल है, और आप सुन के हैरान होंगे कि ये दिल को धड़काने के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो कि अपने दिल की अच्छी हेल्थ चाहते हैं वो इस तोरी को हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर खाया करें, क्योंकि इसके खाने से आपका दिल धड़कता रहता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब थोड़े इसके न्यूट्रिशन के बारे में बता दें कि इसमें कौन से ऐसे बाकी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसमें के अंदर फैट्स बिल्कुल मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन्स की मकदार अच्छी खासी मौजूद है, और इसके अंदर वाइटामिन B1, B6, B5 सारे मौजूद हैं इसके अंदर। वाइटामिन सी इसके अंदर बहुत बड़ी मकदार में मौजूद है। पोटैश के बाद दूसरी चीज़ जो वाइटामिन सी की, वो भी हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। अक्सर लोगों को वाइटामिन सी का इस सोर्स का पता ही नहीं है, तो वाइटामिन सी का सोर्स और वाइटामिन बी के सोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवाज है कि हम सब्ज़ी को गंदम धकेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ब्राय करम
सब्जी को सब्जी वाले तरीके से खाया करें। सब्जी को हमने खाना कैसे शुरू किया है, हम गंदम के साथ लगाते हैं और उसको अंदर धकेलते हैं। अच्छा, रोटी को गंदम कह रहे हैं? रोटी, हम रोटी कोई भी सोर्स हो सकता है। आपने सब्जी को बॉयल करके या स्टीम करके हल्का सा उसके ऊपर ऑयल, कौन सा कोई सा अच्छा वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल ले लें, वो डाल के खाना, और आप यकीन करें आपकी उस दिन से हेल्थ चेंज हो जाएगी अगर आप सब्जी को सब्जी के तरीके से। शायद साहब, हमारे तो रिवाज ही नहीं है सब्जियों को बॉयल करके खाने का। हम तो उसको इतना पकाते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिशन है वो जाया कर लेते हैं सारी। इस वक्त शायद आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, 38% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुकी है, और उसकी वजह हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। हम अपनी ईटिंग हैबिट्स से बाज नहीं आते और ज़िद करते हैं कि हमने वही चीज़ खानी है जो मेरे दादाजी खा रहे थे। अगर दादाजी गलत खा रहे थे तो आज आप सीधा कर लें। बराए मेहरबानी अच्छी चीज़ों को पकाना और अच्छे तरीके से पकाना सीखें। दुनिया की वो कौमें जो तरक्की कर रही हैं, जो अच्छी इजाद कर रही हैं, वो कौमें जो कि मुआशरे के अंदर या इस दुनिया के अंदर समझी जाती, और कुछ नहीं। तो मैं बड़े तल्ख चीज़ एक बताऊँगा, क्या हमने मुसलमान होते हुए उन चीज़ों के ऊपर खाने की कोशिश की जो कुरान पाक में या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी? हम ऑलिव ऑयल को जिसकी रब ने कस्में खाई हैं उसको सिवाय गोडे सेकने के या गोडों के तेल की मालिश करने के और कोई काम नहीं करते हैं। इसी तरीके से खजूर जो है वो सिर्फ हम रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है। तो बराए करम मज़हब को, साइंस को, सब चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के अच्छी चीज़ें उसमें अखज करें, हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। सर साहब, इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से बड़ा एक आता है कि ये पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशनल सब्ज़ी समझी जाती है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि इसको मुमताज़ करती है बाकी सब्ज़ियों से। लेकिन इसमें थायमिन पाए जाते हैं जो कि बंदे को स्मार्टनेस की तरफ लेके जाते हैं, डिजीज़ फाइटिंग की तरफ लेके जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मिकदार में हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपकी स्किन को जो है वो हरा भरा रखते हैं, आपको नौजवान रखते हैं, रिंकल फ्री रखते हैं। तो वो तमाम ख्वातीन जो हैं जो एज में उस तरफ जा रही हैं जब उनके रिंकल्स या चेहरे के ऊपर झुरियाँ आना शुरू होती हैं, तो उनके लिए इसको खाना बड़ा फ़ायदेमंद है। उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बेहतर होता है, उनकी रंगत बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात है कि झुरियाँ नहीं पड़ती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बाद जी मैं तो ये समझता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा घर में ये ज़रूर पकानी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो बड़ी न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है, तो ये आप क्या ख्याल है कि ये हमारी बड़ी कॉमन यूज़ होती है या फिर इस तरह जितनी इसकी इफादियत है यहाँ पर? असल में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवाज है कि जिस सब्ज़ी की जब तक गोरा तारीफ ना करें उसको खाया नहीं जाता। जैसे कि गोरा जो है वो एवोकाडो की बड़ी तारीफ़ करता है कि एवोकाडो खाने से, चूँकि उनके मुल्क में उगता था, उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि इसके अंदर पोटैश बड़ा है दिल के मर्ज़ के लिए। इसके अंदर उसके इक्विवेलेंट पोटैश मौजूद है, 12% पोटैश मौजूद है, आपको सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा पकाना शुरू करेंगे तो आपका दिल धड़कता रहेगा। तो आप देखिए कितने इसके फ़ायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, थायमिन्स भी हैं, विटामिन B5 भी इसके अंदर मौजूद है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक सस्ती तरीन सब्ज़ी के अंदर मौजूद हैं, और इसको खाने से, इसको इस्तेमाल करने से आप सदा जवान भी रह सकते हैं। बहुत आला साहिब साहब, ये तो बेहतरीन बात आपने बताई है कि देखें हमारे पास चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी लो कॉस्ट होती हैं लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बहुत बिल्कुल ना, उसकी जो कॉस्ट से ज़्यादा बड़ी उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जी आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो कोई गोरे ही बताए कि अच्छे कवाल हैं, अदरवाइज़ वो फैसलाबाद में लसूड़ी शाह में बैठ के गाने गाते रहते। हमें अपनी चीज़ों को खुद संवारना है, देखना है, तख्लीक करना है, और उसको शुरुआत की तरफ लेके चलना है। बेहतरीन सर साहब, एट दी एंड आप इसकी जो कामयाब फार्मिंग के जो राज हैं जिस आप बताते होते हैं कि ये काम है, स्टेप 1 ये कर लें, 2, 3, 5, तो जो ये तोरी है इसकी कामयाब फार्मिंग के बारे में? इसकी कामयाब फार्मिंग के पीछे जी 2-3 गुर हैं। एक तो इसको पोटैश की और पोटाशियम खाद SOP सल्फेट ऑफ पोटाश और बोरिक एसिड, इन दोनों की बड़ी ज़रूरत होती है, तलब होती है। इसकी फसल को जितना डालेंगे उतना ही फल इसके साथ जो है वो ज़्यादा लगेगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो सबसे अहम है इस फसल के अंदर पैदावार लेने के लिए कि वो आपको कीड़े और बीमारियों का इलम होना चाहिए, और वो कीड़े और बीमारियां जो हैं वो आपको हर सूरत के अंदर जो है वो 2 दिन के अंदर उसका इलाज करना है। और अगर टाइमिंग कितना किरदार अदा करती है वक्त पे लगाना? वक्त पे लगाना जो सबसे अहम जो है इस चीज़ के अंदर किरदार अदा करता है कि वो आपको अच्छी प्राइस लेने के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने अच्छे वक्त पर लगाएंगे मंडी के अंदर अच्छे वक्त पर आएगी, अर्ली क्रॉप होगी, उतना ही आपको जो है इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है। बेस्ट मैनेजमेंट इसमें आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं वर्टिकल?
वर्टिकल के अंदर जो है आपकी पैदावार जो है वो तीन गुना ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मशवरा किसान भाइयों को यही है, इसको वर्टिकल लगाएं, इसको लटका के लगाएं, इसको डोरी पे, रस्सी पे और बांस के साथ लटका के लगाया जाए। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया साहब साहब। ये आज की मालूमात जिस तरह आपने तोरी के बारे में बताया, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो डेफिनेटली जो आपने बताई है बड़ी अमेजिंग है। और बाकी तो आपकी जो कल्टीवेशन के हवाले से जो आपके मशवरे होते हैं वो तो हमेशा से ही मशले रहा होते हैं सबके लिए। तो आप हमारा एसेट्स हैं, आप एक बेहतरीन पाकिस्तान के जो है हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, आपको नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का अवार्ड भी मिला है। तो आप जैसे लोग हमारा सरमाया है, आपको बड़ी मेहरबानी, आपका सलूट है। तो अभी जो है इसकी लुफा के जो बहुत से हमारे यहाँ पे इसी गांव के लोग हैं जो इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी, बाई प्रोडक्ट को भी पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराते हैं, आपको उनसे भी मिलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी कौन सी वो चीज़ है जो इसको एक्सपोर्ट करके वो अपने लिए भी पैसा कमा रहे हैं बल्कि मुल्क के लिए भी ज़रिए मुबादला कमा रहे हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। जी तो मेरे साथ अभी मौजूद है मियां बारी फार्म से ही मुनव्वर डोगर साहब। ये भी इनका भी तलग 121 चक से गाबे से है। तो ये इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग, आपके साथ ये इंटरेस्टिंग इसकी शेयर करेंगे इनकी मालूमात कि ये किस तरह इस जो लुफा से क्या चीज़ें बना रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा ले रहे हैं। मुनव्वर साहब कैसे हैं आप? खरीय से हैं? अल्लाह का शान। खरीय से हैं आप? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक। तो आप बताइए कि ये आप कब से ये तोरी के बिजनेस में हैं, इस काम को कर रहे हैं? हमने पिछले एक साल पहले स्टार्ट लिया था। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सीजन जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हम पिछले साल हमने तकरीबन ये 30,000 तोरी कलेक्ट की थी। ठीक है। और एक एकड़ से? एक एकड़ से। अच्छा, एक एकड़ से आपकी एवरेज जो है 20,000 लुफा का हमने कलेक्शन की है। हमने बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम इस अभी वो नहीं स्टेज आई इसकी, ये आएगी अगस्त और सितंबर में। बिल्कुल ठीक। उसकी वो एक होगी खास, इसमें वाइडनेस आ जाएगी बहुत ज़बरदस्त। इसको वाइड करने के लिए कुछ हम केमिकल यूज़ कर लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है। तो मतलब ब्लीच वगैरह उसे आप इसको वाइड करते हैं? वाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में इसकी पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद हम इसको बाहर अपना यूरोप में भेज देंगे। बिल्कुल। तो वहाँ मेरे कज़न हैं, वो मुझसे लेते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं। तो आपका जो 20,000 आपका ये जो है इसको आप मसाजर कहते हैं? मसाजर है या एक स्पंज भी है या एज ए आप इसको कह सकते हैं कि नेचुरली जो है इसको यूज करने के लिए। और इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पैकिंग में ये काम आता है और आजकल तो इसका इस्तेमाल डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या प्राइस मिलती है इसकी, एक जो पैकिंग आप बेचते हैं इसकी? इसकी $1, यानी कि आपकी $1 पर इसकी जो लुफा की या मसाजर वो आपका सेल होता है। जी जी। मतलब भाई इसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर आप $1 की बेचते हैं इसको जी जी। तो 20,000 तो क्या फिर किस तरह इसका रेवेन्यू आपको आ रहा है इसमें? सर ये आप देख लें, अगर स्टेबिलिटी अगर डॉलर में आ जाए तो अभी जो प्राइस मार्केट में 40 लिहाज से हमारा 40 से 50 लाख का पर एकड़ में इसमें कलेक्शन हो जाती है। 40 से 50 लाख रुपए की आपकी लुफा का जो मसाजर है उसकी और जो इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो आपका जा रहा है। हाँ, तो इसमें देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, ये बायोडिग्रेडेबल है और ये इको फ्रेंडली है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। बिल्कुल। तो ये ऑर्गेनिक और नेचुरल है। नेचुरल है। और इसके क्या क्या इस्तेमाल वहाँ पे बताते हैं आपको? और वो यूरोप में आपको पता है वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे बहुत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो इसको डिशवाश भी कर सकते हैं आप। ठीक। उसके इसके साथ तो डिशवाश के लिए तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। लेकिन ये हमारी नेचर नहीं है ना, हमने तो बाजार से जो चीज़ खरीदनी उस पर डिपेंड करना है। हम अपनी चीज़ें तो इस्तेमाल करने के सुनते नहीं कि हमारे लिए वैलिड है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, खुद से कैसे करना है। खुद से हम जनरेट करते नहीं है ना कोई, हम तो इम्पोर्ट करने में चक्कर में हैं। वो हमारी एक नेचर है जो हमारे मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें आप जाएंगे तभी हम जो अभी मौजूदा महंगाई की लहर है उसमें अगर उसको खान से तभी बच सकते हैं और खुद हम मेड इन पाकिस्तान हो जाएंगे। तो आपका पाकिस्तान में भी इसका कोई डिमांड निकलती है कोई थोड़ी बहुत? पाकिस्तान में जाती है। वहाँ तो यहाँ पे कितने की सेल होती है? वहाँ इधर 100 रुपये, मतलब इधर लोकली आपकी 100 रुपए की जा रही है, कुछ पैकिंग शैकिंग करके अच्छी ब्रांडिंग के साथ सारे इसको। और बाकी बाहर जा बेचते हैं $1 की, वहाँ पे तो $1। तो आपने तो बड़ा अच्छा इस्तेमाल इसका किया। देखे ना, आम हमें तो यही पता था इसकी सब्जी इस्तेमाल होती है, लेकिन सब्जी भी ऐसी है जैसे कि हमने कहा कि हमने इसके साथ गंदम जो अपने अंदर करनी है, सब्जी के तौर पर भी हम इस्तेमाल नहीं करते इसे, यही कह लें कि हमने खाना खाना है, रोटी खानी है और इसको साथ करें बस, इससे आगे इसको लेके नहीं जाते। ये रिसर्च जब नहीं करेंगे हम लोग, हम इस पर सोच विचार नहीं पैदा करेंगे
और जो हमारे बहुत सारे इधर इदारे हैं वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें ज़मींदार या आवाम को नहीं बताएंगे इसका क्या क्या फायदे थे, इनके इस्तेमाल क्या, उतनी देर तक कोई भी हमारी जो चीज़ है वो कारामद नहीं होती। मनवर साहब, बहुत से लोग जैसे कि पाकिस्तान में बड़ा रिवाज है मोस्टली कि जब हमें किसी चीज़ का पता चलता है हम अपने इसको बिजनेस सीक्रेसी उसको छुपा के रखते हैं अपने कारोबार, हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कोई और लोग भी कारोबार। तो आप तो बड़े माशाल्लाह बड़ा अच्छा, आप एक देखें आप एक कारोबार कर भी रहे हैं, इसको आप एक दफ़ा ट्राई भी कर चुके भेजने की, तो आपके जहन में कैसे ख्याल आता है कि आप लोगों को अपने कारोबार बता रहे ताकि वो भी इंस्पायर हों और काम करें? सर उसमें ये है कि आप देख लें कि जो इल्म आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी रोशनी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन, देखा आपने कि हमारा जो मुल्क का किसान है, जैसे हमारे इस दोस्त ने आपको बताया है सारा, कि वो किस तरह ना सिर्फ इसको एज ए वेजिटेबल हम इस्तेमाल करके पैसा कमाना सीख रहे हैं, इसको एज ए न्यूट्रिशन वाइज भी सब्ज़ी को देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो किसान है इसे आपने देखा कि किस तरह इसकी वो वैल्यूडेशन चीज़ें हैं जिसको हम बिल्कुल भी समझते हैं ये बेकार चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर में कुछ भी चीज़ें बेकार नहीं होती, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके हमारा फार्मर जो है वो भी बहुत से पैसे कमाना सीख रहा है और अपनी ना सिर्फ पर एकड़ इनकम को बढ़ा रहा है बल्कि ज़र मुबादला का बायस भी बन रहा है। तो उम्मीद है कि हमारे आज के प्रोग्राम में जो मालूम आपको दी गई हैं वो आपको बहुत पसंद आएंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूम के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देख रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।